नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपका मुख्यमंत्री चल रहा था, लाइव में थोड़ा टाइम ज़्यादा खराब होता है यार। आप इतनी इंटेलिजेंट बनते हो, उसे बिना मतलब बकवास ज़्यादा कमेंट पढ़ने पड़ते हैं लाइव में। तो कुछ लाइव डाल देंगे कभी जरूरत होगी, वरना हम रिकॉर्डेड ज़्यादा अच्छा रहता है। रिकॉर्डेड से सही मैटर मिलता है, पूर्णतः मैटर मिलता है, एकाग्रचित मैटर मिलता है। तो लाइव की थोड़ी सी डिस्टरबेंस ज़्यादा हो जाता है, बातें ज़्यादा होने लग जाती है। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारा मुख्यमंत्री चल रहा था, तो आजकल जो बच्चों प्रश्न जो आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है प्रश्न। आजकल जो पूछा जाता है वो मुख्यमंत्री के कर्म का प्रश्न पूछे जाने लगे। अब यार इतने मुख्यमंत्री के कर्म कैसे याद रहे यार? एक बच्चा जो है वो कितने की याद करे? करे तो आखिर करे क्या, तुम बताओ? जिए तो आखिर बच्चा जिए कैसे? अब मुख्यमंत्री और कर्म का बड़ी समस्या है। मैंने अंट संट करके इनका कर्मों को सेट किया है। देखो भैया, किसी को कर्म पसंद न आए तो न आए तो न आए भैया, तुम अपना ट्रिक बना लो। मैंने जैसे तैसे करके इनको कर्मों को सेट किया है कि एग्जाम में आ जाए तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, एक दो तीन कर्म पढ़ रहे हैं हम। मेरे साथ ध्यान से पढ़ोगे सारे, और लिखना चाहे लिख सकते हो, वरना इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, एक बात सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, प्रमोट होने वाला भी इस बात को जानता है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे। ये बात जो है गांव का चंदू भी जानता है। इसके बाद एक आईसीएस अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री, क्योंकि ये तीन कंटिन्यू मनोनीत हुए थे इसलिए तीनों मनोनीत तो याद कर ही लोगे। तो दूसरा जो मनोनीत हुआ था वो आईसीएस अधिकारी था, सी एस वेट्टाचार्य। तो एग्जाम में एक बार पूछा था राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री आईसीएस अधिकारी रहा है। और तीसरा वैसे याद रह जाएगा, क्योंकि तीसरा जो बंदा है मुख्यमंत्री, वो ऐसे मुख्यमंत्री है जो मनोनीत भी रहे हैं, निर्वाचित भी रहे हैं, वो है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, यानी इन तीनों को याद करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान रो पहलो मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान रो दूजो मुख्यमंत्री मनोनीत मुख्यमंत्री सी एस वेट्टाचार्य, और राजस्थान रो तीजो मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास। ठीक है, अब इस बात को भी आपको याद करनी पड़ेगी। ये बात भी सारे के सारे इस बात को भी जानते हैं। कौन सी बात को? कि अब राजस्थान में चुनाव हुए तो अब इसका मतलब अब आएंगे निर्वाचित मुख्यमंत्री। निर्वाचित मुख्यमंत्री आएंगे, यानी चुनाव जीत के आएंगे, मनोनीत नहीं। तो एक बात तो आपको वैसे भी रटनी पड़ेगी कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री था टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, ये आपको वैसे याद करना पड़ेगा भाई। जो तीन मनोनीत याद कर रहे हो, तीनों मनोनीत याद रह जाएंगे, ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। हीरालाल जी है, आईसीएस वेट्टाचार्य जी, फिर प्रथम निर्वाचित, क्योंकि प्रश्न तो ये भी बनता है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। अब आपको एक बात फिर बताई थी कि एकमात्र मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे, उनका नाम लिख दो कौन? जय नारायण व्यास। यानी टीकाराम के बाद में कौन आ गए? जय नारायण व्यास। ये भी याद रह जाएगा। राजस्थान का सबसे लंबा शासन करने वाला मुख्यमंत्री, यानी अशोक गहलोत अगली बार आएंगे तब इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। तो वो भाई आओ, इनको जल्दी लेके आना पड़ेगा। कौन आ गया? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, ये वैसे याद रह जाएगा। इनका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम वो ट्रिक बना रहे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रश्न यहां से आता है। सुखाड़िया जी अब चार बार रहेंगे, चार बार रहेंगे मतलब बीच में एक दो बार थानी पता एक हट गया है तो भी नहीं साहब, कंटिन्यू आओगा चार बार। ये तो याद हो गई यहां तक। ट्रिक इसके बाद भी सेट करना पड़ेगा। यहां तक ट्रिक की जरूरत महसूस आपको कतई नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, थोड़ी बहुत भी नहीं होगी। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, देखो डालो कुर्सी। दोबारा एक करोड़ बोल दियो नहीं, थर के लागे मेरे की को लागे, मैं दोबारा बोल दियो। राजस्थान के तीन तो सबसे पहले आएंगे मनोनीत, तो सब पहले सबको पता हीरालाल, दूसरा आईसीएस सी एस वेट्टाचार्य, और तीसरा जय नारायण व्यास जो मनोनीत निर्वाचित दोनों। अब पहला निर्वाचित सबको याद करना पड़ेगा टीकाराम पाली, फिर वापस जय नारायण को ले आओ, कोई समस्या नहीं है। जय नारायण जो है वो दोबारा आ जाएंगे, फिर उस व्यक्ति को लाओ जो सबसे लंबा, मोहनलाल सुखाड़िया। अब आपको एक ट्रिक बनानी पड़ेगी, मैं एक ट्रिक बनाता हूं। हमारे एक मुख्यमंत्री हुए, उनको खांसी हुई, यानी खांसी हुई किसको? शेखावत जी को। शेखावत जी को खांसी हुई, खांसी हुई शेखावत जी को, बिल्कुल हुई। तो खांसी हुई तो उन्होंने, किसी ने कहा कि एक पहाड़ों में एक डॉक्टर है,
उन डॉक्टर के पास आप दिखा के आओ। तो इन्होंने क्या किया, खांसी हुई शेखावत जी को, तो शेखावत जी कहां गए, पहाड़ों में, और डॉक्टर का नाम था शिवचरण, पहाड़ों में वो शिवचरण देवपुरा को दिखाने के लिए गए, शिवचरण देवपुरा को दिखाने गए। गुरुजी ट्रिक तो ठीक ही है, याद भी रह जागो, क्यों को नहीं रह जागो, ना नौकरी लागण खातर याद रखना पड़ेगा, हैं नौकरी भी यहाँ किमी को नहीं है, बुढ़ापो बहुत माड़ो पट्टा है, बुढ़ापे में बहुत काम आवलू भाई, जवानी में काम को नहीं, जवानी में तो कोई बुढ़ापो महीनो है। तो खांसी हुई शेखावत जी को पहाड़ों में दिखाने के लिए गए हैं, किस डॉक्टर को, शिवचरण देवपुरा नाम का डॉक्टर है। अब इस ट्रिक को बार बार बोलो, आगे वाली सारे याद हो जाएगी। कर्म पूछा जाता है, ध्यान रहे एग्जाम में, चार मुख्यमंत्री दे देंगे उनका, आजकल ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है करंट प्रश्न पूछने का, कि कर्म पूछते हैं, राजाओं के कर्म पूछते हैं, राज्यपालों के कर्म पूछते हैं, मुख्यमंत्रियों के कर्म पूछते हैं, पीछे की एग्जामों में पूछा गया, राजस्थान पुलिस में कई बार, हाई लेवल में भी पूछ लेते हैं क्योंकि ये लो लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है। अब देखिए जी, इस ट्रिक से हम आगे के मुख्यमंत्रियों का कर्म लिखते हैं। देखिए, खा का मतलब साकी लिख दिया, खांसी लिखनो, खांसी, खा का मतलब खा, यानी खा भी कोई सर मुख्यमंत्री ला, बिल्कुल खा रहा है, एक मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे थे, बैरकतुल्ला खा, खा का मतलब खांसी का मतलब, खा का मतलब बरकतुल्ला खा, इसको आगे लिख दो ए। उसके बाद के क्रम है ध्यान में, दो नंबर सी, सी का मतलब जोशी, सी का मतलब जोशी, यानी कौन मुख्यमंत्री रहे, हरिदेव जोशी, वाह जी वाह, मैं राइटिंग सुनी इनता ब्रो, कितनी सुनी राइटिंग आ है, थू थू। बी नजर नहीं लाया, हम अपने आप को भी कांच में नहीं देखते, क्या पता नजर लग जाए, हैं चलो देखिए, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं वो जानते हैं तुम्हें सिर्फ हम पसंद करते हैं। तो जोशी नजर नहीं लाग जा, हरिदेव जोशी दूसरो, यानी खांसी, शेखावत सब जानते हैं, और शेखावत कौन से मुख्यमंत्री हुए थे हमारे, भैरू सिंह जी शेखावत, यानी भैरू सिंह शेखावत। ये लो जी कितने नंबर पे आ गए, सी नंबर पे अगला क्रम आ गया। आगे है पहाड़ों का मतलब, पहाड़ नाम का भी कोई मुख्यमंत्री, बिल्कुल दलित जगन्नाथ पहाड़िया, अगले मुख्यमंत्री हो गए जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, ए बी सी डी हो गए, ठीक है। अगला है शिवचरण, बिल्कुल शिवचरण नाम के मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे, ये हो गए पांच नंबर पे शिवचरण, शिवचरण। आगे क्या लगाऊं, माथुर, इधर लिख दो ए बी सी डी, कितने नंबर पे हो गया, ई नंबर पे हो गया, ठीक है। इसके बाद में देवपुरा, यानी देवपुरा नाम से कौन से मुख्यमंत्री, हीरालाल देवपुरा, तो छह नंबर पे हो गए हीरालाल देवपुरा। बेस्ट आवरो, ये हो गया एफ, इतनो अगर थे याद कर लियो तो आगे का क्रम आप ही याद हो जाएगा, ए क्रम थे याद कर लियो, था ना एक ही सूत्र याद करना, पहले तीन मनोनीत आप याद करोगे आराम से याद हो जाएंगे, फिर निर्वाचित पहला टीका आराम से, फिर जयनारायण वापस आ जाएंगे जो निर्वाचित मनोनीत दोनों रहे हैं, फिर सबसे लंबे कार्यकाल वाले आ जाएंगे, फिर एक ट्रिक याद करना है कि खांसी हुई शेखावत जी को तो वो पहाड़ों में गए डॉक्टर शिवचरण देवपुरा को दिखाने के लिए। तो ये क्रम है, यानी अब मैंने क्या रखा, अब इन्हीं मुख्यमंत्री, मैंने आप मुख्यमंत्री का फिर आप क्रम लिखोगे, उनके आगे ए बी सी डी लिखोगे, क्यों लिखोगे कि ये मुख्यमंत्री अब वापस रिपीट मारेंगे, रीचेक होगी इनकी, दोबारा आएंगे ये मुख्यमंत्री, अब दो बार भी तो बन सकता है यार, तो फिर दोबारा के लिए क्या करना होगा, बी ई बी सी, बस इतना सूत्र और याद कर, बी ई बी सी दोबारा आ जाएंगे, बी ई बी सी, यानी बी दोबारा आएगा आप कौन, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, ठीक है गुरुजी। आ गया ई का मतलब, ये ई कौन, शिवचरण माथुर दोबारा आएंगे, शिवचरण माथुर, बी ई बी फिर आ जाएगा कौन, हरिदेव जोशी फिर आ जाएंगे, हरदेव जोशी, फिर सी, सी का मतलब कौन है, अब आ जाएंगे हमारे भैरू सिंह शेखावत जी दोबारा आ जाएंगे, भैरू सिंह शेखावत, बस।
अब भाई साहब राउंड फिगर चलेगा, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, युगो युगो तक यही चलता रहेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। वो तो अमृतत्व का वरदान नहीं है, वरना बस यही यही चलता रहेगा। अब कोई समस्या नहीं है। अब कौन आ जाएगा? अब हमारे आ जाएंगे अशोक गहलोत जी, फिर आ जाएंगे वसुंधरा राजे, फिर वापस अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, और फिर वर्तमान में रनिंग वाले अशोक गहलोत। अब बताओ क्या समझ में नहीं है? कितना इजी ट्रिक है, कितना आसान ट्रिक है मेरे दोस्त, आप इसको भी नहीं याद कर सकते? मुख्यमंत्री मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, अब मैं मुख्यमंत्री, अब हम एक एक मुख्यमंत्री की कुछ बातें पूछेंगे। जैसे पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था बाबोसा किसको कहा गया है, कौन से मुख्यमंत्री के पिता क्रिकेटर थे, वो चीजें अब हम एक एक मुख्यमंत्री को उठाते हुए पढ़ेंगे। चलो ये क्रम है, इसको दोबारा देख लेना, नहीं समझा अब हम पढ़ते। हाँ जी, अब हमने पढ़ लिए मुख्यमंत्री जो है वो मेन मेन मुख्यमंत्री हमने पढ़ लिए, यानी जब एग्जाम की दृष्टि से आपके कई बार सीधा सीधा इनका क्रम, अभी पीछे एग्जामों में क्रम पूछा गया था, अब हम एक एक मुख्यमंत्री को ऐसे उठाएंगे और एक एक मुख्यमंत्री की हम करेंगे चर्चा। देखिए जी, मैन मैन सबका तो नहीं कर सकते, लेकिन मैन मैन क्योंकि पीछे राजस्थान पुलिस में यहां से प्रश्न ज्यादा पुटअप हो रही है, इसलिए सबसे पहले हम जिक्र करते हैं किसका? हीरालाल कोहिनूर, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। इन्हें तो हम क्रांतिकारी राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में उनमें भी पढ़ते हैं। इनका जन्म जो है वो जोबनेर जयपुर में हुआ था 1899, जोबनेर जयपुर। एक एक चीज इनकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथ साथ में आप चाहो तो इनको उतार भी सकते हो। इनकी एक बड़ी शांताबाई शिक्षा कुटीर जो संस्था है ना, वनस्थली विद्यापीठ, इन्होंने अपनी पत्नी जो है अपनी पत्नी की मदद से उसे खोला था, वो बड़ी फेमस है, आज भी वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, निवाई टोक के अंदर है, वो देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है जिसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। जी मान लो काल ने थे भी आत्मकथा लिखो तो थे के नाम आत्मकथा लिखो, अब अथे जानो भाई मन को बतो, लेकिन इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष लाइफ शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, शास्त्री जी की आत्मकथा प्रत्यक्ष। और फिर इन्होंने गीत लिखा था परले प्रत्यक्षा नमोह नमः, परलह प्रतीक्षा, परलह प्रतीक्षा नमोह नमः, बहुत इजी है। हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर जयपुर के अंदर हुआ था, उनका प्रसिद्ध गीत वनस्थली विद्यापीठ का संबंध, इनका प्रत्येक, इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्येक जीवन शास्त्र, प्रत्येक, और इनकी गीत है परलय प्रतीक्षा नमोह नमः, परलय प्रतीक्षा नमोह नमः। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने एक समझौता किया था, जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942, उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और शास्त्री जी के मध्य हुआ था। तो शास्त्री जी को वैसे अलग से भी पढ़ा जाता है मुख्यमंत्री, वहां हम उनका ज्यादा जिक्र करते हैं, यहां थोड़ा सा कम कर लेते हैं जिक्र, लेकिन कर लिया आपने, एक एक चीज देखिए, इनको देखिए, अब भी बहुत सारी चीजें बाकी रह गई। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नॉर्मल एग्जामों के लिए, हाई लेवल के एग्जाम के लिए, बच्चे को इस बात का पता ही होता है। कब? 1949 से 51 तक रहे थे मनोनीत मुख्यमंत्री। वैसे ये पहले प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री को एकीकरण के समय प्रधानमंत्री बोला जाता, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री में कन्वर्ट कर दिया गया था, और संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में की गई थी, आपको पता है वो भी इस समय यही थे 1949 में भी। ये सांसद भी रहे थे स्वाई माधोपुर से, लोकसभा के सांसद भी रहे थे, लोकसभा के सांसद भी रहे थे, ठीक है, ध्यान में रह जाएगा, क्या रह जाएगा? अब पिछली बार अभी कोई एग्जाम आया था कि इस मुख्यमंत्री के समय सचिव कौन थे, भैया देखो सारे सचिव तो याद कर नहीं सकते, हीरा भी एक दो कोई मैं बता सकता हूँ, सारे तो नहीं याद रहते, किसी को नहीं रहते। इनके समय एक तो थे के राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण किसके समय? हीरालाल जी के समय एक तो सचिव थे के राधा कृष्ण के, और दूसरे थे वी नारायणन, वी नारायणन। मेरे साथ याद करूं, हीरालाल शास्त्री, जोबनेर जयपुर, परलय प्रतीक्षा नमो नमः पर, और एक इनकी आत्मकथा प्रत्येक जीवन शास्त्र है, जेंटलमैन एग्रीमेंट इन्हीं से संबंधित है, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है, पहले ये प्रधानमंत्री थे, बस ये इतनी सी चीजें हैं। इनकी पत्नी थी रत्ना शास्त्री,
महिला शिक्षा के क्षेत्र में मनस्थली विद्यापीठ की जो स्थापना है उनमें रत्ना शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। वो एकमात्र ऐसी महिला है रत्ना शास्त्री जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों मिला है, पद्मश्री और पद्म विभूषण रत्ना शास्त्री जी को है। दूसरा देखिए हम जिक्र करते हैं दूसरे का, साथ साथ में भले आप उतारते जाना, सी एस वेंकटाचार्य, सी एस वेंकटाचार्य। इसका मतलब ऐसे नाम तो दक्षिणी भारत में होते हैं, उत्तरी भारत में तो होते ही नहीं है। कदम्बी शेषाचार वेंकटाचार्य पूरा नाम है, कदम्बी शेषाचार वेंकटाचार्य दोनों ही नाम है। देखो इसका मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये मैसूर से है। मैसूर कहाँ पड़ता है दोस्त, मैसूर बच्चों पड़ता है कर्नाटक के अंदर। साथ साथ उतारते जाना आप इनको क्योंकि रटने वाली सी चीजें हैं। ये राजस्थान के सेकंड मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान के सेकंड मनोनीत मुख्यमंत्री है। केंद्र सरकार की ओर से इन्हें मनोनीत किया गया था। इनका एग्जाम में जो प्रश्न आया था वो ऐसे आया था कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो आईसीएस अधिकारी रहे थे, प्राचीन समय में आईएएस को आईसीएस कहा जाता था, हो सकता है एग्जाम में ये भी कहते ऐसे मुख्यमंत्री जो आईएएस अधिकारी रहे थे, ये एक आईएएस अधिकारी थे। अरे वाह सर, आईएएस अधिकारी थे। ये जब रियासती काल जो था ना, रियासती काल ही था आजादी से पहले, तब कहते हैं कि ये बीकानेर और जोधपुर के प्रधानमंत्री भी रहे थे, बाद में कनाडा के राजदूत भी रहे थे, समझे क्या। देखो राजस्थान में तीन मनोनीत मुख्यमंत्री बने, हीरालाल शास्त्री, सी एस वेंकटाचार्य और जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास जी की तो बहुत बातें हैं टाबरों, थे को भी इतनी कर सका पा। जय नारायण व्यास वाह जी, व्यास कॉलोनी, जय नारायण व्यास बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ये इनका जन्म तो वैसे जैसलमेर में है, बाद में जोधपुर में आके बस गए थे, तो जैसलमेरिया व्यास भी कहा जाता है। इनका उपनाम है, वैसे इनके कई उपनाम है, कर्मस्थली इनकी जोधपुर थी। अंग उपनाम देखो, लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, शेरे राजस्थान, लोक नायक, कितना खतरनाक नाम है। देखो उपनाम देखो इनके, लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, शेर ए राजस्थान, लोकनायक, ये इनके उपनाम है। बहुत सारा उपनाम है, उपनाम इसे है कि अगर एक बार था उपनाम याद हो गया तो भूलोगा ही को नहीं कोई। इन्होंने बहुत सारे समाचार पत्र निकाले थे जिनका एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है, किनके समाचार पत्रों की। कितनी बढ़िया बात है यार, लाइन में कभी कमेंट पढ़ो कभी कुछ पढ़ो, मजा इसमें ज्यादा आता है। आराम से पढ़ने वाले बच्चा रिकॉर्डेड क्लास को ज्यादा महत्व देता है, तो मुझे भी रिकॉर्डेड क्लास की जो मैटर है ना उसकी बात ही अलग होती है, लाइन में धुंधी सुंधी बात चलती रहे। इनकी पहली पत्रिका है पीप, जो किसमें थी, इंग्लिश के अंदर थी, मतलब आप तो कौन पढ़ पाओ पीप, आप सिर्फ पीप ही पढ़ पाओ। पत्रिका है इनकी, बहुत फेमस पत्रिकाएं निकाली, अखंड भारत 1938 में कहां से निकाली थी, अखंड भारत निकाली थी मुंबई से। आगी बाण। हाँ ये सारी पत्रिकाएं याद कर लेना, वो पत्रिकाओं से संबंधित एक स्पेशल टॉपिक भी लगता है। ब्यावर से निकलती थी आगी बाण 1932 के अंदर, ब्यावर से। फिर है तरुण राजस्थान ये विशेष, ये भी ब्यावर से थी। इसका प्रकाशक जयनारायण व्यास थे और संपादक विजय सिंह पथिक थे। देखो जय नारायण जी व्यास राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही का विरोध किया, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंतशाही का विरोध किया। फर्स्ट मैन सामंतशाही, राजा महाराजा रजवाड़ा सामंतशाही के विरोध किया था। प्रजामंडल आंदोलन में सिवानादुर्ग में उनको नजरबंद कर दिया, वही सिवानादुर्ग जो मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन संस्थली थी, जहां कभी मालदेव ने शरण ली थी गिरी सुमेल युद्ध के बाद में, समझे क्या। मारवाड़ हितकारिणी सभा, उनका जिक्र तो प्रजामंडल के अंदर आता है। अब हम जिक्र करते हैं इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों है,
एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों हैं वो अपने जय नारायण जी व्यास है। एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों है वो व्यास जी है। ये बात पहले भी बता चुका हूं मैं, ये वैसे इनके लिए सीट खाली की गई थी, किशनगढ़ सीट को खाली किया गया था, तो थोड़ा सा खुद रख लेना वरना कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई मंत्री वंत्री नहीं रहे थे ये, हैं? तो इनके दौरान अगर सचिव देखो तो एस डब्ल्यू शिवशंकर इनके समय सचिव, और बीजी राव, लिखो तो लिख लेना भैया, इतना तो नहीं याद रहता, बहुत मुश्किल काम होता है इसे याद करना। अगला मुख्यमंत्री देखते हैं, टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट, टीकाराम पालीवाल। साथ साथ में आप लिख ले जाना ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते जाए। ये महुआ से थे, महुआ, हाँ, बड़े लड़ैया महुआ वाले, जाकी बार सही ना जाए, एक को मारे दूजा मर जाए, तीजा खोप खाए मर जाए। वो महुआ नहीं है, ये महुआ दूसरा वाला है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल, टिक्को निकाले पहले पोत, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित है, प्रथम निर्वाचित है। ये उप मुख्यमंत्री भी बने थे बाद में, एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों रहे, यानी मुख्यमंत्री प्लस उप मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं ये। ये मुख्यमंत्री भी रहे थे प्लस उप मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह जी वाह। हाँ, इनके समय यूथ लिंक की स्थापना की तो थी, कोई जरूरी नहीं है, अब सचिव तो देखो नहीं याद रहेगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। एक एक काम डिटेल देख ले, क्रम से नहीं देख रहा हूं अब मैं, अब जो मैन मैन है वही बता रहा हूं। नेक्स्ट है मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, इनके मुख्यमंत्री कामदेव 1916-1982 के लमसम है। इनका जन्म जो हुआ था वो झालरापाटन झालावाड़, कर्मस्थली इनकी उदयपुर थी, ध्यान रहे मोहनलाल सुखाड़िया का नाम आती उदयपुर आता है, झालरापाटन वसुंधरा का क्षेत्र, हमारे आदरणीय आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी का क्षेत्र। मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म 1916 में झालरापाटन में हुआ था, यानी जन्म 1916 झालरापाटन। लेकिन इनकी कर्म भूमि कहाँ थी, कर्म भूमि इनकी उदयपुर थी। इन्हें, इन सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता बोला जाता है, इनका उपनाम है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे। जो लंबे समय तक रहेगा वो तो आपको पता ही है, विकास तो करवाएगा, तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता बोले जाते। अब जो आपको राजस्थान मिला है वो सुखाड़िया जी की देन बताई जाते, और सबसे युवा मुख्यमंत्री ओनली 38 साल। अरे वाह, 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, अरे वाह, युवा मुख्यमंत्री से बोलते हैं, हमारे तो अब 65 साल के भी युवा लगा रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री थे सबसे, ओनली फॉर 38 ईयर ओल्ड, क्या बात है। इनकी शादी का विरोध हुआ था, नाथद्वारा का बाजार तक बंद हुआ था, इंदुबाला के साथ अंतरजातीय विवाह कर लिया था आर्य परंपरा से ब्यावर में, इस वजह से। चलो, इनके पिता जो थे, ये प्रश्न आया था शायद पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया था, सुखाड़िया जी के फादर जो थे, सुखाड़िया जी के जो पिता थे पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया, यानी हिज फादर्स नेम ऑफ पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया, पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया, ये क्रिकेटर थे, क्या थे, प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। ये प्रश्न आया था कि किस मुख्यमंत्री के पिता प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया था। सबसे लंबा कार्यकाल 1954 से 1971 तक 17 वर्ष, 4 बार मुख्यमंत्री, यानी अशोक गहलोत का, इस अशोक गहलोत हमारे इनका रिकॉर्ड तब तोड़ेंगे जब अगली बार आएंगे, यानी सबसे लंबा कार्यकाल, कंटिन्यू 4 बार, सबसे लंबा कार्यकाल, कितने वर्ष, भाई साहब 17 वर्ष, फिर भी रहेगी तो बालिंग 18 हो जाए तो कंप्लीट हो जाए। 4 बार कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहे थे सुखाड़िया जी, वाह यार जी की बात है। इनके समय पंचायती राज की शुरुआत इन्हीं के समय हुई थी, पंचायती राज की शुरुआत
इनके समय हुई थी दोस्तों, इनके समय सुखाड़िया जी के समय हुई थी। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन 1958 इन्हीं के समय हुआ था। IGNP का उद्घाटन इन्हीं के समय हुआ था। पंचायती राज की शुरुआत बुगदरी गांव से 1959 इन्हीं के समय है। और इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन 1958 ऐसा ही 58 इन्हीं के समय हुआ था, वो समय इन्हीं का था। संभागीय व्यवस्था को बंद किया था 1962 में इन्होंने किया था, संभागीय व्यवस्था को बंद ये भी किन्होंने किया था, इन्होंने ही किया था। तो इसका मतलब सुखाड़िया जी तो बड़े फेमस थे सर, बिल्कुल फेमस थे। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन, क्योंकि इतने लंबे शासन करेंगे तो फिर लगेगा भाई कभी ना कभी, तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन भी इन्हीं के समय लगा था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है वो सुखाड़िया जी के समय लगा था 1967। हाँ यस, 1967 में इनके समय प्रथम बार लगा था। किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं आया, नहीं आया तो भैया नहीं आया, लग गया समझे। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल, सुखाड़िया जी के मंत्रिमंडल में थी, उपमंत्री बनाया गया था वैसे उन्हें। तो लिखो तो लिखो लिखो, राजस्थान प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल इन्हीं के समय थी। समझ गए के बात को, समझ गए क्या है? ध्यान रहे, ये बाद में राज्यपाल भी रहे थे। अभी इतना बड़ा नेता है तो मुख्यमंत्री नहीं तो बाद में राज्यपाल बना देते हैं, यही करते हैं। तो इनके समय बहुत सारे सचिव रहे भाई, बीजी राव है, उज्जवल है, सामलदान उज्जवल थे, कृष्णनपुरी है, बहुत सारे सचिव रहे थे। देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया जी, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पाड़िया, ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राज्यपाल भी रहे थे। आप नोट लगा के लिख लो भले ही, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल रहे, मोहनलाल सुखाड़िया, दो नंबर हरिदेव जोशी, तीन नंबर शिवचरण माथुर और चार नंबर जगन्नाथ पहाड़िया। याद रहे जैसी के हैं, वैसे बाकी तीन है जो ना, सुखाड़िया जी है, जगन्नाथ पहाड़िया है, शिवचरण, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल रहे। और हरदेव जोशी है वो पहले भी थे, तीन बार मुख्यमंत्री से पूर्व राज्यपाल भी रहे। चलो अब है बरकतुल्ला खान, नेक्स्ट है अपने बरकतुल्ला खान, बरकतुल्ला खान नेक्स्ट क्या है? मुख्यमंत्री, एक एक बात पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रथम फर्स्ट मुस्लिम मुख्यमंत्री, नाम से पता चल रहा है, मुस्लिम सीएम, फर्स्ट मुस्लिम सीएम, नाम से पता है। इन्हें कहते हैं प्यारे मियां, प्यारे मियां, प्यारे मियां, मियां, प्यारे मियां, प्यार को नाम है प्यारे मियां। हाँ, कहते हैं कि इंदिरा गांधी को भाभी कहा करते थे बरकतुल्ला, सुना है हमने। पर इनका विवाह हुआ जब था उषा मेहता के साथ, मैरिज हो उषा मेहता, भारत पाक युद्ध के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री यही थे, भारत पाक युद्ध के समय, भारत पाक युद्ध समय राजस्थान के सीएम, युद्ध के समय राजस्थान। ये मैं पूरी लाइन इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं बाद में लिखाऊं ना और आप इनको साथ साथ लिख लो। ऐसे मुख्यमंत्री, पहले प्रथम मुख्यमंत्री जिनका राजस्थान के पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, प्रथम सीएम जिनकी पद पर मृत्यु हुई, पद पर मृत्यु हुई, क्यों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इनके समय सचिव जो है वो जोरावर सिंह और सुंदरलाल रहे थे, याद रखो तो रख लेना, ना कोई जरूरी, इतना याद भी नहीं रहता, देखो सीधी सी बात है। हाँ जी, चलो मियाँ जी ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट जो है अपने हरिदेव, हरदेव या हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, नेक्स्ट ऑफ सीएम खांडू गांव बांसवाड़ा, वो है ना वहां से है ये, खांडू गांव बांसवाड़ा से, खांडू गांव बांसवाड़ा, इसका जिक्र तो कहीं ना कहीं आता ही है, खांडू गांव बांसवाड़ा का सुना ही होगा। युद्ध 10 बार विधायक रहे थे भाई साहब, कभी सांसद नहीं रहे, वो बात अलग है। ये
तीन बार बने थे हरदेव जोशी, एक दो तीन, तीन बार बनते हैं ये, लेकिन तीनों बार में अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए। इससे भी किस्मत वह गुरु जी, किस्मत गिर वैसे किसी को मनो, तीन बार रही तीनों बार। वैसे ये विकलांग थे, एक हाथ कहते हैं कि इनका कटा हुआ था। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इनके समय लगा था, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किनके समय, इनके समय 1977। संभागीय व्यवस्था को 1962 में बंद हो गई थी सुखाड़िया जी के समय, वो संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ कर दी 1987 में, यानी 1987 में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की है, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दी है। बाद में प्रतिपक्ष बिल्कुल विपक्ष के नेता भी रहे थे, हरदेव जोशी कोई ऐसे ही थे, और छोटे मोटे हाँ असम के राज्यपाल भी रहे थे, तीन बार अपने मुख्यमंत्री रहे थे। हाँ चलो आगे चले क्या, या दोबारा रिपीट मारूं क्या इनको, मैं पूछ किसको रहा हूं, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं है? चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह जी शेखावत जिन्हें खाचरियावास से थे, सीकर से, खाचरियावास सीकर। भैरव सिंह शेखावत पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया था कि बाबोसा नाम से कौन जाने जाते हैं, इन्हें बाबोसा कहा जाता है। राजपूती कल्चर में ताऊ को वैसे बाबोसा बोलते हैं, तो बाबोसा कहा जाता है भैरव सिंह जी से। ये तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, तीन बार 1977 से 80, 1990 से 92 और 1993 से लगभग 98 तक, यानी तीन बार मुख्यमंत्री रहे ये, तीन बार मुख्यमंत्री। ध्यान में रह जाएगा, हाँ राज्यसभा सांसद थे ये वैसे मुख्यमंत्री बनने से पहले। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उपराष्ट्रपति भी रहे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एकमात्र राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने थे वो अपने थे भैरव सिंह शेखावत। पहली बार गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी वो इन्हीं के नेतृत्व में थी, यानी ये कह सकते हैं राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। लिखूं क्या, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान का, थर्ड वह फोर्थ राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा था। राष्ट्रपति शासन जो है अपने मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय लगा था। मध्यावधि चुनाव हुए थे 1980 में, वो इन्हीं के समय हुए थे। एक मिनट, हाँ मध्यावधि चुनाव जो है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी मंत्रिपरिषद में भी शामिल नहीं हुए थे, तीन बार विपक्ष में भी रहे ये मंत्री रहे थे। अंत्योदय योजना जो है स्वतंत्र वो इन्हीं के समय चली थी, इसे थोड़ा ध्यान रखा, यानी इनके समय अंत्योदय योजना इन्हीं के समय चली थी। ठीक है, किताब रहो है, अब सच्ची तो आगे टाइम बहुत रहेगा भैया है, कोई कमी थोड़ी रहे। नेक्स्ट अपने मुख्यमंत्री जी जो है वो है अपने कौन, जगन्नाथ पहाड़िया। एक साल पूरा करा, देखो बड़ो टॉपिक है तो है जगन्नाथ पहाड़िया, क्यों लाइव कराएंगे तो बहुत समय लग जाता है इसीलिए हम लाइव नहीं कराते हैं। जगन्नाथ भुसावर भरतपुर से इनका जन्म था, कहाँ से था ये हमारे थे भरतपुर जिले से थे, भरतपुर नगरी से थे, यानी ये वैसे सदस्य नहीं थे फिर भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, और ये राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, प्रथम दलित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी कर दी थी राज्य में, जैसे बिहार में है अभी,
हमारे यहाँ तो हो ही नहीं रहा है ऐसा। फैसले हो तो कड़ाक से होने चाहिए। यूपी में कैसे किए हैं फैसले देखे क्या आपने? योगी ने पेपर आउट करने वालों के खिलाफ संपत्ति जब्त करो ऐसे ऐसे केस लगाए हैं उन पर, पता नहीं कौन कौन सी धाराओं के तहत। वो होना चाहिए, हो तो कड़ाक से फैसले। ऐसे फैसले तो ईमानदार ही ले सकता है, वरना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोकसभा राज्यसभा में ये सांसद भी रहे थे, बाद में राज्यपाल रहे। इन्होंने एक बार टिप्पणी कर दी थी महादेवी वर्मा पर, तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था किनको, जगन्नाथ पहाड़िया जी को। नेक्स्ट है शिव चरण माथुर। शिव चरण माथुर ये बचपन इनका करौली में गुजरा। वैसे थे ये गुना एमपी से, तो जन्म तो गुना एमपी में है इनका। शिवचरण माथुर वैसे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, माणिक्य लाल वर्मा जी के दामाद भी थे, लोकसभा सांसद भी रहे थे और बाद में असम के राज्यपाल भी रहे थे। डिंग गोलीकांड हुआ था भरतपुर में, भरतपुर के महाराजा मानसिंह की मृत्यु हो गई थी उसमें, तो उसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था इनको, शिवचरण जी माथुर को। फिर है हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट है हीरालाल देवपुरा। छोटे छोटे इनकी ज्यादा बातें तो नहीं, लेकिन फिर भी पूछ ले, केलवाड़ा राजसमंद से थे ये, कहां से? केलवाड़ा राजसमंद। हीरालाल जी देवपुरा केलवाड़ा राजसमंद। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सबसे छोटा कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल वाले। अधिकतम कौन है? सुखाड़िया जी। न्यूनतम कौन है? देवपुरा जी। न्यूनतम हीरालाल देवपुरा, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। एकमात्र मुख्यमंत्री हीरालाल जी देवपुरा जो विधानसभा के, और ये वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, ये भी एकमात्र ही है वित्त आयोग के। और इनके समय मुख्य सचिव थे आनंद मोहन, याद रखो तो रख लेना। अब हम जिक्र करते हैं हमारे आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा पृथ्वी को बोलते हैं, राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, क्या बात है, एकमात्र राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। सबको पता है इनका डीओबी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सबको पता है, दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं सबको पता है, 2003 से 8 तक और 13 से 18 तक। ये वैसे विधायक रहे थे पांच बार लोकसभा सांसद भी रही है, तो थोड़े वसुंधरा जी के बारे में तो जानते ही होंगे यार, हैं? ये तो नॉर्मल बात है। फिर हमारा जिक्र करते हैं हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी का, क्योंकि ये वर्तमान में है, वर्तमान में चल रहे हैं। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है जादूगर नाम से। क्या बात है, क्या नाम है जी आपका, जादूगर, जीके के जादूगर, वैसे ही राजनीति के जादूगर। अब तीसरी बार बने हैं मुख्यमंत्री, 88 से 2003, 2008 से 2013 और 2018 से, कंटिन्यू लगातार। ये भी पांच बार लोकसभा सांसद, पांच बार विधायक बने थे ये भी बने हुए हैं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत इनके समय भी हुई थी, अंत्योदय अन्न योजना 2000 के अंदर। अब देखो वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें, समझो इस चीज को, वर्तमान में अशोक गहलोत पद के अनुसार तो 22वें मुख्यमंत्री है। कितने नंबर के? 22वें। कैसे? पद के अनुसार, ठीक है। व्यक्ति क्यों, कोई तीन पर रहेगा, कोई चार पर रहेगा, व्यक्ति के अनुसार ये 11वें है। 11 व्यक्ति आज तक मुख्यमंत्री बना है, क्यों? क्योंकि कोई चार पर रहेगा, कोई तीन पर रहेगा, कोई दो पर। अब अगर मनोनीत ने मैं काउंट और करती हूं तो ये हो जाते हैं मनोनीत काउंट करने पे, इसे थोड़ा सा ढंग से समझ लेना। अगर मनोनीत को और जोड़ दें, उन तीनों को और जोड़े, तो फिर क्या हो जाते हैं, ये मनोनीत को और जोड़ने पे ये हो जाते हैं 25वें,
ठीक है, और व्यक्ति के अनुसार तेरहवें, कि व्यक्ति के अनुसार दो ही जुड़े, इंद्रायण व्यास उधर जुड़ चुके हैं, व्यक्ति के अनुसार तेरहवें। समझे क्या इस चीज को? ये कहां से है? वर्तमान में जोधपुरा की सरदारपुरा सीट से है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, वर्तमान में इनके सचिव निरंजन गुप्ता ये जो भी है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं है, गैर संवैधानिक पद है, राज्य करने रखे टाबर ऑनलाइन राज्य कर दे गए और तू ले ले इसी बात है, मोबाइल वो कवर देना जैसी बात है, मोबाइल देखो निकल ला वो कवर तू रख ले थोड़ी देर, चार्जर जला दे वही है। तो टीकाराम पालीवाल रहे हैं उप मुख्यमंत्री, हरिशंकर भाबड़ा रहे हैं, बनवारीलाल बेरो रहे हैं उप मुख्यमंत्री, कमला बेनीवाल रही है, सचिन पायलट जो 2018 से गहलोत जी के रही हैं, हैं यानी अब तक पांच उप मुख्यमंत्री रहे हैं, रोहतक टापर ने दाटन खातर बनाई जाए उप मुख्यमंत्री। ठीक है, चलो हमारा मुख्यमंत्री कंप्लीट हुआ है। सचिन पायलट कहां से हैं इसका कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा या नहीं देखा, या फिर ऐसी खाना पूर्ति की है। चलो ओके, थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे राजस्थान का कोई और।